तो हमने क्या देखा कि जब जीन अनलिंक थे और इनकम्प्लीटली लिंक थे तो उसमें 50% रिकॉम्बिनेशन हुए। तो अब 50% रिकॉम्बिनेशन कैसे हुए वो भी हम देख लेते हैं। तो 50% जो 50% रिकॉम्बिनेंट अकरेंस थी वो किसकी वजह से, वो दो कंडीशंस की वजह। तो दो कंडीशन कौन सी हैं, पहली और दूसरी। सो द फर्स्ट कंडीशन इज जीन आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम मींस अनलिंक जीन। अगर डिफरेंट क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट हैं तो वो कैसे होंगे, अनलिंक होंगे। अगर जीन अनलिंक होंगे तो जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होंगे। दूसरा है कि जीन अगर सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं पर तो कैसे होना चाहिए, एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है लेकिन दूरी पे, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो कुछ तो ये दूरी पे मौजूद होने चाहिए, तो इस वजह से भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज आपके दो तरीके के हैं, एक तो है कंप्लीट और दूसरा है इनकम्प्लीट। तो पहले हम कंप्लीट लिंकेज को डिस्कस करते हैं। जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड टुगेदर। सेकंड वन, नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। एंड द थर्ड वन इज ओनली पेरेंटल ट्रेट्स इनहेरिटेड। एंड द फोर्थ वन इज रेयरली सीन इन ऑर्गेनिज्म। तो अब हम कंप्लीट लिंकेज का डाईहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। पहला तो हम क्या लेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में आई कलर और विंग। आई कलर जो डोमिनेंट है उसे कैपिटल आर से शो करेंगे और जो रिसेसिव है उसे स्मॉल आर। तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा, रेड और ये वाइट। और दूसरा जो है वो हम विंग को, जिनमें नॉर्मल विंग हैं उनको वी जी और जिनमें वेस्टिजियल विंग हैं उनको स्मॉल वी। तो ये हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस करानी। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस किसमें करा रहे हैं हम, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस किसके लिए करा रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज के लिए। तो किस तरीके से होगी डाईहाइब्रिड क्रॉस, रेड कलर्ड और नॉर्मल विंग को हमने किससे क्रॉस करवाया, वाइट आइड और वेस्टिजियल विंग से। क्या आएगा इसका जो पॉसिबल गैमीट हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ से आर एंड वी जी और यहाँ से आर। तो ये इसके पॉसिबल गैमीट्स हो गए। तो एफ वन जनरेशन में क्या आएगा, अब एफ वन जनरेशन में सभी के सभी कैसे आ जाएंगे, ऑल आर रेड आइड एंड नॉर्मल विंग। तो सारे के सारे कैसे आए, नॉर्मल रेड आइड और नॉर्मल विंग। तो अब हम इसका टेस्ट क्रॉस करा के देखते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा होमोजाइगस का क्रॉस किससे कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो हेट्रोजाइगस क्या है आपका, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। इसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है, क्योंकि ये जीन जो है वो कैसा है, लिंक्ड है, तो ये रेड आइड नॉर्मल विंग के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और ये वाइट आइड वेस्टिजियल विंग के साथ। तो ये हो गया इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और यहाँ से आर और वीजी। तो ये पेरेंट हो गए, ये हो गए गैमीट्स और आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं टेस्ट क्रॉस में कम्प्लीटली लिंक जीन होंगे तो उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, और जो पेरेंटल टाइप है, जो पेरेंटल टाइप है वही इनहेरिटेड होगा दूसरी जनरेशन में। और